हम न्यू हॉस्टल में रहते थे और मैं न्यू हॉस्टल न्यू कनाल में वहाँ एफ सी कॉलेज में, और जिस दिन वहाँ पुलाव इनके यहाँ पकता था मैं इधर आ जाता था, और जब पुलाव उधर न्यू कनाल में होता था तो वो मेरे पास आते थे। और मेरे दोनों जो क्रिकेट के मैच हुए और दूसरे मैचों में हम एफसी कॉलेज की तरफ से जाया करते थे, तो मैं आप लोगों का मशहूर हूँ कि आपने इसके बावजूद मुझे आने की दावत दी। मैं नहीं कर सकता और आपको हम सहा नहीं सकता, लेकिन ये जरूर मैं कहूँगा कि महकमा पुलिस को क्योंकि चीमा साहब ने छोड़ दिया, लेकिन मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। बहुत बड़े फाइटर है जिसके साथ मेरी एक और रिश्ते भी है, मैं आप लोगों की हाथी और मेरे जो बुजुर्ग हैं उनको भी छोड़ दिया, मैं इनका उनको हमेशा अपने लोगों की तरह समझता हूँ। उन्होंने बड़ा मकाम अपना आपको बहुत सारी कहने वाली मैं करता हूँ, इसी बात में मेरा मकासद के लिए, कुछ अपने किसी और लिहाज से ऐसी महफिल है कि हमें इसे अफराद तहसीन देना चाहिए कि तालीम की वजह से अहम शख्सियात तशरीफ लाए हैं और पाकिस्तान के वो स्थान है वो जहन है जिन पर हम फख्र कर सकते हैं। एक एक अपनी जगह अहम शख्सियात हमारे दरमियान मौजूद हैं, इनका एक अपना मुकाम है, जिन्होंने अपने अपनी जिंदगी में अपने अपने शोबों में वो काम किए हैं कि वो काफा नुमायाँ हैं, और विरासत को शुभ हमारे हम सब का उनके हमारे सबके दिलों में उनके लिए बेशुमार इज्जत और एहतराम मौजूद है। आपने उनकी तमाम की गुफ्तगू में एक बात देखी होगी कि उन्हें अपने दरगाह से भी मोहब्बत है और पाकिस्तान से भी मोहब्बत है, और सब ने पाकिस्तान के दर्द की बात की है और पाकिस्तान के सिलसिले में जिक्र किया है। अभी तो हमारी इस तकनीक के आगाज में आने के बाद दरअसल एक बहुत वजह लगातार है कि हम बहुत सारे लोगों के यहाँ मौजूद होने की ये भी है कि जुल्फिकार चीमा की तकरीर होती है और उसके अंदर जो मजा है जो खूबसूरती है जो ह्यूमर है उसकी हम दाद ये बगैर नहीं रह सकते, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि चीफ जस्टिस साहब की आज की गुफ्तगू सुनने के बाद जब अगली दफा वो तकरीर फरमाएंगे तो पुलिस के महकमे को माफ नहीं करेंगे और उसको जरूर शामिल करेंगे। कोताही रह जाती है, और ये भी जिक्र हुआ कि बहुत सारे शोबों का हवाला दिया गया, हमारे डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखते हैं, खुद भी उन्होंने जिक्र किया इसका, तो जिक्र कहते हैं कि किसी ने कहा कि आई विश एन अकाउंटेंट वॉज बॉर्न विथ वन हैंड। अल्लाह का बड़ा शुक्र है, माशाल्लाह साहब के दोनों हाथ हैं, सलामत हैं, और ये बड़े वैसे भी खुश अकल